नमस्कार दोस्तों, केयर नेचर में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, टूट रहे हैं बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, जिससे बढ़ रहा है समुद्र का जल स्तर, और ये बढ़ता जल स्तर ले डूबेगा समुद्र के किनारे बसे हुए कई सारे शहरों को। साल की शुरुआत में ही एंटार्क्टिका का 1550 स्क्वायर किलोमीटर का बर्फ का पहाड़ टूटकर अलग हो गया है, जिसके साइज की अगर तुलना करें तो ये पूरे दिल्ली शहर से भी बड़ा है, क्योंकि पूरे दिल्ली शहर का साइज 1480 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 3,20,00,000 से ज्यादा की आबादी रहती है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। साल 2022 में भी एंटार्क्टिका का ही 1270 स्क्वायर किलोमीटर का बर्फ का पहाड़ टूटकर अलग हो गया था, और हर साल 750,00,000 करोड़ किलोग्राम बर्फ पिघल रही है। हर दिन लगभग 2,00,000 करोड़ किलोग्राम बर्फ पिघल रही है, और ये आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्यों पिघल रहे हैं बर्फ के पहाड़? तो इसकी बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। आज हम क्लाइमेट चेंज शब्द सुनते तो कई बार हैं, पर समझते नहीं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से है। सन 1760 जब औद्योगीकरण की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक पूरी पृथ्वी का 1 डिग्री औसत तापमान बढ़ चुका है, क्योंकि हमने कार्बन सोखने वाले जंगलों और पेड़ पौधों को मिटाकर बिल्डिंग्स बनाई, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ा दी, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। और ये तो हम सभी जानते हैं कि बर्फ 0 डिग्री पर जमती है, और जैसे ही तापमान 1 डिग्री हो जाता है तो वो बर्फ पिघलने लगती है। यही कारण है लाखों सालों से जमे हुए बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ अब बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, और कई जगह पर तो तापमान 5 से 6 डिग्री तक बढ़ गया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सारे बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर 216 फीट तक बढ़ जाएगा, और समुद्र के किनारे बसे हुए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहर समुद्र के अंदर समा जाएंगे, और जमीनी सतह 20 से 30% तक समुद्र के अंदर होगी। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ऐसा सच में होने वाला है, और अभी से होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। क्लाइमेट सेंटर के अध्ययन के मुताबिक 2050 तक दिल्ली के साइज को अगर 11 गुना कर दिया जाए, इतने बड़े एरिया से भी ज्यादा बड़ा एरिया पानी में समा चुका होगा, जिसका साइज 17,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और जिसके कारण 2,85,000 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति का नुकसान भी होगा। साथ ही हमारे हिमालय के भी ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण वहां के ग्लेशियर भी सदा के लिए खत्म होते जा रहे हैं, और इन ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों से भारत, चाइना, नेपाल, भूटान के करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है। और अगर इंसान अभी भी नहीं रुका तो सारे ग्लेशियर, सारे जंगल, सारे पशु पक्षी सब खत्म हो जाएगा, और रह जाएगा तो सिर्फ प्रदूषण। आज कई सारी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच भी गई हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आएगा जब इंसान की प्रजाति भी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि आप हर साल कम से कम एक पौधा लगाकर थोड़ा सा सहयोग दें प्रकृति को बचाने में, और जितना हो सके प्रदूषण को फैलाना बंद करें। और साथ ही सबसे ज्यादा आज जरूरत है हमारे समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता की, और अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो ये पूरा पर्यावरण ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें कि आपको पर्यावरण से जुड़े हुए हर एक विषय की जानकारी प्रदान करी जाती है, जिससे कि आप खुद तो जागरूक होंगे ही, साथ ही आप लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं, और इस काम को करके आप पैसे भी कमा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए केयर नेचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।